HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। बाजार में रेडी लगाते हैं, किस तरीके का काम है? कुछ नहीं, एक नए पैसे का काम नहीं। ग्राहक आता नहीं, सोना कहाँ से बिके? जब ग्राहक सोना पड़े, अगर उसका ग्राहक नहीं हो तो सोना पैसे कहाँ से पड़ रहे? दो सच्ची बात कह रहे हैं आत्मा जी। तो हालत आप लोगों की कैसी? बहुत ही खराब। आप मेरे से क्या पूछो? ऑलरेडी वाले खड़े खड़े मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल सही गारंटी है। एकदम लिख के कहो। अब ये बताइए, आप इससे पहले जो 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें आप खुशहाल थे? खुशहाल के बोल तो आवागमन चल रही थी एकदम से नॉर्मल। मैं ये नहीं कह रहा सरकार खराब है या कांग्रेस खराब है, फलाने हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि ये देखो कि आप पहले जो थे, पहले जो सरकार थी, नोटबंदी का चक्कर एकदम से पड़ गया। मैं ये सरकार को एकदम नोटबंदी है, प्रॉपर्टी काम बंद। ये तो आप भी जानते हो इस बात को। जब मजदूर आदमी काम पे नहीं जाएगा, शाम को कमा के लाएगा, वो बर्तन भी ले जाएगा, जूते भी ले जाएगा, कपड़े भी ले जाएगा, और बच्चों के लिए कोई कोई सामान सब्जी सुब्जी भी ले जाएगा। लेकिन अब एक सवाल, पैसे नहीं होंगे तो क्या ले जाएगा? अब एक सवाल बताओ। सब कहते हैं पूर्व की सरकार में खूब घोटाला हुआ, खूब करप्शन। सुनो, एक मिनट सुनो ना, उसके बाद भी आप लोगों के पास पैसे का क्राइसिस नहीं है? मैं ये नहीं कहता सर घोटाले होते। हम तो भाई देखो जी, हम बोले हम इस बात का हम जान, घोटाले हो कुछ भी होता रहे, हम तो ये बातें कारोबार खत्म हो पड़े। लेकिन काम कारोबार खत्म हो गया मेरी दुनिया। क्यों खत्म हुआ? रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैं पता, नोटबंदी चक्कर हो गया, प्रॉपर्टी काम बंद हो गया। मजदूर आदमी जो खाओ, खर्च करने वाला आदमी बेचारा, उसके पास पैसे नहीं है, कहाँ से लेगा? प्रॉपर्टी काम बंद हो, शाम को मजदूरी जाया करता, 2-400 कमा के लाया करता, भाई काम नहीं है बिल्कुल, क्या करे? तो सरकार तो करे, न्यू इंडिया बना, तो खराब न्यू इंडिया बनाएगी, धीरे धीरे बनाएगी। जिसके पास एक दिन का आके रोटी खाने को नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाएगा बताओ? जिसके पास एक दिन का रोटी खाना ताजा कमाने वाला, वो कहाँ जाए? हम देते असली न्यूज आपका बता, हम बता रहे जो बात सच्ची बता रहे हैं आप सब। जिसके पास 2-4 बच्चे हो पर एक आदमी कमाने वाला हो और उसके पास और ना हो तो कहाँ से कहाँ जाएगा? पर चोरी करेगा, डाका डालेगा। आप बताए क्या पहले की अपेक्षा सब्जियाँ कम बिक रही है? बिकी नहीं रही। बिकी नहीं रही क्यों? क्या बात? क्या पता क्या बात? तो पैसा नहीं है लोगों की जेब में? लेकिन एक बात बताओ, इससे पहले की सरकार जो थी कांग्रेस सरकार और अब की सरकार में क्या फर्क है? पहले सब्जी बिकती थी, अब नहीं बिक रही। अब नहीं बिकती। क्यों? बीजेपी में नहीं बिकती। क्या बात होगी? कांग्रेस में बिकती थी, लोगों की जेब में पैसे खत्म नहीं। इससे अच्छा कहाँ गए? महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी पहले था लोगों की जेब में? पहले थे। अब देख लो सारा सौदा भरा पड़ा है। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ, पहले तो खूब घोटाले होते थे और होते थे, ईमानदार सरकारें करना दिक्कत है। आप क्या देखते थे? देख लो, आप ही देख लो। अच्छा तो फिर पहले वाली सही थी? पहले वाली थी। बताओ ना क्या बात? क्यों? काम है, काम है। केले नहीं खा रहे लोग? भाई साहब बहुत क्यों? तो मतलब क्यों आया, क्या बात है? ये तो पता नहीं क्यों मंदाया खेड़ा। 30 बेचते हैं तो 20 मांगते हैं, 30 बताते हैं तो 15 मांगते हैं, इसी भाव सौदा नहीं बिकता। पैसा नहीं है लोगों के पास, ये तो क्या कह सकते हैं। लेकिन अब तो ईमानदार सरकार है देश के अंदर। इतना मंदा पहले हमने कभी नहीं देखा। क्यों? और ये मत पूछो आप, तो इससे पहले जो सरकार थी मनमोहन की सरकार, अरे बाजू उस टाइम का काम बहुत कर रही है। जब मोदी सरकार आई है काम खत्म हो गया, बिल्कुल काम खत्म हो गया। लेकिन ये तो कह रहे हमने देश को तरक्की में ला दिया। हाँ तरक्की कर दी है। मेरे तो देखो ऑलरेडी बंद पड़ी, ये 10 बजे सौदा लेके आते थे, सुबह 6 बजे लेके आते थे, ऑलरेडी बंद पड़ी होगी। अच्छा कोई उठाव नहीं है सौदे में, वहाँ मिलता नहीं और यहाँ बिकता नहीं। जी पहले तो भाई पूर्व की सरकार में बहुत घोटाले होते थे और होते थे, अब तो ईमानदार सरकार है, फिर पैसा कहाँ गया? पैसा तो ये तो पब्लिक जानती है कहाँ क्या कहाँ गए, बाकी हमारा काम खत्म हो गया। तो आपके लिए कौन सी सरकार बढ़िया थी? सरकार तो बाबू वही बढ़िया थी, कांग्रेस। काम तो था कम से कम, काम था। तो लोगों ने क्यों कांग्रेस को नकारा, क्या बात? ये तो बाबू हम क्या काम क्या करें, बाकी हम ये बताया कांग्रेस के राज में काम बहुत बढ़िया। मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दो बेटी है, एक मन बुद्धि है 30 साल, कुछ बताओ क्या करो? और क्या नाम है, ये क्या वो स्कूल जाती है, 5-5 10-10 दिन लेडी नहीं लगती, सौदे महंगे हैं, यहाँ उठाव नहीं है, मंदी बहुत है। तो पहले की सरकार बढ़िया थी या कांग्रेस के टाइम में आप सही थे या सही थे महसूस कर रहे हैं आप? वैसे अभी महसूस तो धंधे के ऊपर है, धंधा है नहीं तो महसूस तो होगा। पहले की सरकार में थे आप? पहले की सरकार में काम था, फिर लेते हैं हम
दस आदमियों को कहते जी काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। ये देख लो सारा बाजार ऐसे खाली पड़ा है, उससे क्या हल होगा? विकास विकास किस चीज का विकास? सड़कें किस चीज कितनी बढ़िया है और बाकी जो आपके आगे है। आपके विधायक जी के कोई पांच काम आपको याद है जो करवाए उन्होंने? हमें तो एक भी याद नहीं है। हम गए थे उसके लिए रेडी के लिए हो गया था, तुमने मोदी को वोट दिया, हमारे को कोई वोट नहीं। हालांकि मैं खुद बीजेपी से हूँ, 33 साल हो गए मेरे को। अब महसूस हो रहा है कि काम नहीं है बीजेपी, जब हमारे थाली में रोटी नहीं आएगी तो हमारे लिए वो थाली किस काम है? विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया आपके? विधायक ने तो क्या करो, बस जो सात के 13 हैं उसका तो एक ही काम है भाई। मैं अभी तुमने मोदी को वोट दिया, मोदी के पास है। राव विजेंद्र सिंह रानी की ड्योढ़ी से, हम सबकी बहन बहन महिंद्रा आगामी नगर परिषद के होने वाले चुनाव वार्ड नंबर 14 से लड़ेंगी। वार्ड के विकास एवं तरक्की के लिए आप सभी से आग्रह है कि उन्हें अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाएं। अब की बार 75 बार फिर एक बार ईमानदार मनोहर सरकार। मैं पारिशा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रेवाड़ी। अब की बार 75 बार फिर से हरियाणा में मनोहर सरकार।